विनंती मैं दिल से आपसे करती हूँ कि हालात भयानक ज़रूर है मगर इसका मुकाबला हम डर और भीति से नहीं करेंगे, क्योंकि मंशा ये राजनीति का ये है कि हम डर जाएं, हड़बड़ा जाएं और वो हड़बड़ाहट में कुछ कर दे। नहीं, एक चीज़ हमें याद रखना है कि ये देश की बुनियाद एक ऐसे राष्ट्रवाद पे बनी हुई है जो सामूहिक राष्ट्रवाद है। बहुत गहरे राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए वसूल, उसके पहले ये सरजमीन की परंपरा, चाहे वो उसको हमारे संतों की आप परंपरा कहे या फुले साहू महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार, अंबेडकर, नारायण गुरु, ये सब सोच विचारधारा की करे, ये वसूल बराबरी समानता के वसूलों पे हमारा देश कायम रहे है और कायम रहेगा। हाँ, बहुत एक दुखद एक इतिहास हमारा विभाजन का रहा, खून खराबा हुआ, उसके बावजूद हमारे देश ने धार्मिक राष्ट्रवाद को नकारा और हमारे संविधान ने अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में नागरिकता के बुनियाद दी गई है। ये हमें याद रखना चाहिए। और ये 5 से 11 जो हमारे अनुच्छेद है संविधान के, 11वां अनुच्छेद सांसद मतलब इंडियन पार्लियामेंट को हक देता है कि वारंवार आप कानून नागरिकता का बना सकते हैं। तो ये अधिकार को लेकर हमारे सांसद ने 1955 में नागरिकता का कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारा बना है 1955 में, संसद में पूरी तरह बहस करके। इसके पहले मैं दो बिंदु आपको कहना चाहती हूँ कि नागरिकता सबसे बुनियादी अधिकार है। एक नागरिकता का अधिकार एक इंडिविजुअल, एक हस्ती और सरकार के बीच में एक रिश्ता जोड़ता है। नागरिकता के बारे में बड़े बड़े कानून सोच समझने वाले लोगों ने कहा है कि वो अधिकार देने वाला अधिकार है। इट इज द राइट टू हैव राइट्स। इसका मतलब है कि अगर आप एक देश के नागरिक हो तो न सिर्फ आप सर उठा करके गरीबी से आप जूझ रहे होंगे, मेहनत करते होंगे, मगर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मेरा बसने का अधिकार है, मुझे सरकार के स्कीम के बेनिफिट लेने का अधिकार है, मुझे वोट देने का अधिकार है। और इसीलिए कहा जाता है कि नागरिकता एक अधिकार देने वाला अधिकार है। अगर कोई रेफ्यूजी स्टेटस लेके हमारे देश में रहता है, जैसे तिब्बती रहे, अफगानी रहे, ईरान से आए हुए लोग रहे कई साल तक, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में रेफ्यूजी पॉलिसी अपना ही नहीं है। 12 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, शायद आपको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, मगर वो रेफ्यूजी को पूरे अधिकार नहीं मिलते, सिर्फ जीने का अधिकार मिलता है, कभी कभी मोबाइल फ़ोन रखने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। इसीलिए ये बुनियादी अधिकार के लिए हम हमारी संस्था के तरफ से ये मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कई विचारधारा ऐसी भी उभर के आई है जो कई तबकों के नागरिकता को निशान बनाई है। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि इसके लिए डट के लड़ना, बिना डर के लड़ना बहुत ज़रूरी है जानकारी से। तो जैसे मैंने कहा 1955 में ये अधिकार हमारा बना, बहुत सारे बहस के बाद हमारा सांसद ने तय किया कि 1950 से लेके 87 तक जो भी यहाँ पे जन्म लिया है या ले चुकी हैं उनको जन्म का अधिकार यहाँ पे नागरिकता का बन जाता है। 87 के बाद अगर आपने जन्म लिया हो
तो आपके माता या पिता में से दोनों 87 से पहले यहाँ पे जन्म लिए हुए हों, ये कानून आपसे मांगता है। और 2004 के बाद, 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ हो तो कानून का रिक्वायरमेंट ये है कि आपके माता या पिता दोनों में से एक 87 के पहले जन्म ले चुके हो और दूसरे जो माता पिता हो वो अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट न हो। ये कानून है देश का। आसाम में इसमें थोड़ा सा फर्क लाया गया और ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम आसाम की सिचुएशन नहीं समझेंगे हम हमारी सिचुएशन यहाँ पे आज जो हम फेस कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। विभाजन बंटवारे के समय 1951 का सेंसस हमें कहता है कि 74 लाख मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे गई और 77 लाख पॉपुलेशन यहाँ आई। इट वॉज अ मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन जो हुआ है। आसाम एक ऐसे राज्य है जो बॉर्डर के राज्य होने के वजह से वहाँ पे आने जाने का भी सिलसिला जारी रहा और 1970s में वो डेकेड में एक वहाँ पे मूवमेंट चला जो काफ़ी तीव्र मूवमेंट था, काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट था और वो हिंसक भी बन चुका। वो बाहर वाले लोगों को रहने वाला मूवमेंट, बाहरी लोग कौन है, हमारे आसाम जबान, आसामी जबान, हमारे आसामी संस्कृति के ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, इस तरह का मुहिम वहाँ चलाया गया। और उस दरमियान वहाँ पे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, नरसंहार और जनसंहार। जब 2002 के जनसंहार के बाद हमें टेलीविज़न चैनल पे बार बार लोग टोक के पूछते थे कि आपने 84 में क्या काम किया बहन जी जब सिखों के साथ हुआ, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि 84 हो या 2002 हो, हम दोनों के खिलाफ, हम दोनों के लिए, मजलूमों के लिए खड़े हैं। मगर भाई साहब और बहन जी आप नेल्ली के बारे में क्यों नहीं पूछते हमें जो 83 में हुआ। 1983 में फरवरी के 18 तारीख को 6 घंटे के अंदर 2500 गरीब मुसलमानों का कत्लेआम नेल्ली इलाके में हुआ आसाम में। यही मुहिम जब चल रही थी बाहरी को लेकर, तभी यहीं के रहने वाले लोगों को, एक तबके के लोगों के ऊपर टारगेट बनाया गया। ये चलता गया सिलसिला। सरकार जैसे ये मामले को संभालती है या नहीं संभालती है वैसे मामला भी बढ़ता गया और 85 में एक सुलह हुआ, जो सुलह को हम इतिहास में जानते हैं, राजनीति को जानने वाले, कानून को जानने वाले लोग आसाम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। आसाम अकॉर्ड जब उसकी दस्तखत हुई तो भारत सरकार के नुमाइंदगी, आसाम सरकार के नुमाइंदगी, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के लोग और आसाम गोना परिषद के लोग ने साथ में मिलके वहाँ पे एक आसाम अकॉर्ड को साइन करने का काम किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि अभी हम ये तय करते हैं, ये 85 की बात है याद रखिए, 85 में ये सुलह होता है और ये तय होता है कि चूंकि ये आंदोलन और भावना लोगों के दिल में है, हम आसाम के लिए एक इस तरह की कार्रवाई शुरू करेंगे जिससे वंस एंड फॉर ऑल ये मामला हम तय करेंगे, वंस एंड फॉर ऑल ये मामला तय करेंगे कि बाहरी कौन है और नागरिक कौन है। अभी मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और 2016-17 पे आती हूँ। दिसंबर 2017 में मैंने देखा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आदत है कि सब बुरी खबरों को हम जल्दी पढ़ लेते हैं, तो हमने बुरी खबर पढ़ के देखा कि 1,20,00,000 आसामी लोगों को एनआरसी के पहले लिस्ट में से बाहर रखा गया। हड़बड़ाहट हुई, मैं वहाँ पे गई, मैंने लोगों से बातचीत शुरू की कि ये क्या हो रहा है, आपने तो हमें बताया था, जमशेर भाई जो आपने फिल्म में देखा, हमारे वहाँ पे टीम लीडर है जमशेर जी, आपने बताया, आपने सब कहा कि ये तो फ्री एंड फेयर प्रोसेस होगा, इंक्लूसिव प्रोसेस होगा, 1,20,00,000 लोग कैसे बाहर रखे गए मुझे बताइए। आसाम के लोगों की भावना
फ्री एंड फेयर एनआरसी के साथ इसलिए जोड़ी थी पुरोगामी लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, लोकशाही पसंद लोगों की, क्योंकि उनको ऐसे एक भावना थी कि ये बार होने के बाद ये बला छूट जाएगी जो हम 30-40 साल से हम जूझ रहे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। दिसंबर 2017 में 1,20,00,000, जुलाई 2018 में 44,00,000 लोग, और अगस्त 2019 में 19,00,000 लोग। किसी भी आसामी जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, आईबी ऑफिसर को पूछ लीजिए कि मैक्सिमम लोग अगर आसाम में बाहर के होंगे तो कितने होंगे, आप ही बताइए। आंकड़े किसी के पास नहीं है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा 10 करोड़, किसी ने कहा 5 करोड़, किसी ने कहा 2 करोड़, बड़े बड़े लेख लिख के गए, मगर आंकड़े किसी के पास नहीं है। जिम्मेदार ऑफिसर हमें कहते हैं कि मैक्सिमम अगर आप 30-40 साल की बात पकड़ेंगे, हो सकता है 4-5 लोग होंगे, 4-5 लाख हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान हैं, बेचारे हिंदू भी हैं जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये सिर्फ एक हवा बनाई गई है बार बार पॉलिटिक्स चलाने की, ये कहेंगे। चलो आते वापस आसाम में, पॉलिटिक्स इसी पे बनती गई। 85 में जब आसाम अकॉर्ड साइन होता है, ये तय किया जाता है कि चलिए हम एनआरसी करेंगे। मजबूरन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, आमसू, ऑल आसाम स्टूडेंट माइनॉरिटी यूनियन वगैरह भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि कम से कम इसको फेयर रखिए, इंक्लूसिव रखिए, और डॉक्यूमेंट्स की बात शुरू होती है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार रखना है। और चलते चलते 85 की बात आती है 2013 तक। 2013 में आखिर में डॉक्यूमेंट्स तय होते हैं, कौन से 14 डॉक्यूमेंट्स में से एक आपके पास होने चाहिए। अगर ये 14 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक नहीं है और आपके माता पिता के हैं, तो फिर कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लेगेसी समझाने के लिए होने चाहिए। ये सब बातें होते होते मॉडालिटीज़ 2013 में पहली बार तय होती है। जो आप लोगों ने ये पुस्तिका आपको बाद में मिली है, उसमें मैंने पूरा डिटेल समझाया, हिंदी में है, अंग्रेज़ी में है, उर्दू में आने वाली है, और मराठी में भी अगले हफ्ते आ जाएगी। मैं 500-500 कॉपीज इनामदार साहब को मैं पहुँचाने वाली। सवाल ये नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट हमको तैयार रखने हैं, सवाल है कि आप और हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमारे नागरिकता का अस्तित्व एक डॉक्यूमेंट से प्रूव हो सकता है क्या। ये सबसे बड़ा सवाल है, और मैं जानबूझ के इसीलिए आसाम का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मेरे देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पूरे परिवार को बाहर रखा जा सकता है एनआरसी, उनको बाहर रखा गया, एनआरसी में नहीं थे। अगर मेरे आसाम डेप्यूटी स्पीकर के पूरे परिवार को बाहर रखा जा सकता है, अगर हमारे सेना में कारगिल युद्ध में लड़ने वाले मोहम्मद सनाउल्ला, जिसको सेना रखती है 15 साल अपने काम करने को, उसको डिटेंशन कैंप भेज सकते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके और हमारे पास होंगे जिसके पास नागरिकता अप्रूव करेंगे। क्या सेना हमारी घुसपैठियों को रखती है क्या, क्या हमारी भारत की सेना घुसपैठियों को जॉब देती है क्या। अब क्या मजाक बना के रखे हो दोस्तों, हमें संजीदगी के ये बात समझना है। मौका है, डॉक्यूमेंट सीधा करिए, मैंने कहती हूँ मत कीजिए, प्रैक्टिकल बात भी करनी पड़ेगी, मगर ये मुहिम को हमको अपनाना है कि नागरिकता के अस्तित्व आप डॉक्यूमेंट से नहीं मांग सकते। और अगर पीर के दिन, सोमवार के दिन अगर मोर्चा चल रहा है पूना शहर में, तो आप भी शरीक होइए उसमें। अगर देश भर में हम आवाज़ देंगे इसके खिलाफ, आप शरीक होइए, क्योंकि आवाम को, जनता को, विपक्ष को भी समझाना पड़ेगा कि ये गलत झोल में हमें मत फंसाओ। जब रोजगार नहीं है, जब आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है देश में, अब क्या ये नया चक्कर ला के आए, बेमतलब का चक्कर। आपको पता है आसाम की सरकार ने 1700 करोड़ इस पे खर्चा किया,
सरकार का खर्चा, परिवार का तो कोई, जनता का तो कोई पकड़ता नहीं है, हमने उसका हिसाब लगाया। एक परिवार ने 60,000 रुपया, 60,000 से लेकर 5,00,000 रुपया खर्चा किया, जमीनें अपनी बेच दी, अपने रोजगार खो डाले, 100 लोगों को की मौत हुई है, उसमें 60 के ऊपर खुदकुशियां हुई है। सायरा बानू की खुदकुशी 31 अगस्त 2019 को हुई, जिस दिन लिस्ट आने वाला था 10 बजे। 8 बजे सुबह हमारे रिटायर्ड मेजर मुबारक अली साहब रो रो के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैडम उन्होंने खुद कूद करके मर गई। मैंने बोला क्यों कूदी, 10 बजे लिस्ट आने वाला था। अफवाह चली गांव में, अफवाह चली कि परिवार अंदर रहेगा, आप बाहर रहेगी। तो वो डर के मारे, वो कलंक के डर से वो अपने कुएं के अंदर वो कूद गए, और 10 बजे पता चला कि उसका नाम अंदर लिस्ट में था। ये राजनीति सिर्फ डराने को और एक तरह की समाज में हलबली और आपस में डिवाइड करने की बात है। बाकी समाज को खुश रखने के लिए वो कहेंगे कि हम मुसलमान को टारगेट करने वाले हैं, मगर आप ये भ्रम में मत रहो कि सिर्फ मुसलमान टारगेट बनने वाला है। आसाम में जब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया, 19 लाख लोगों का, तो 5,20,000 ही मुसलमान हैं, बाकी लोग बंगाली हिंदू, जो बेचारे 47 से लेके अपने रेफ्यूजी सर्टिफिकेट संभाले रखे हुए हैं, वो रेफ्यूजी सर्टिफिकेट भी माने नहीं गए। ये देश में मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने आज तक 100% वोटिंग राइट्स रजिस्ट्रेशन नहीं किया। आज भी मेरे पास ईमेल आया, अगर आप वोटिंग रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर हो जाइए। जिस देश में मतदार मत को लेकर 100% आप नहीं दे सके, तो आप किस तरह, कौन से डॉक्यूमेंट के अस्तित्व को लेकर लोगों को ये जाल में फंसा रहे हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा जन्म रजिस्ट्रेशन को लेकर कानून 69 में आया। यूनिसेफ का फिगर आप देख लो 2017 का, वो कहते हैं 58% लोग भारत में रजिस्टर है बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी 42% रजिस्टर्ड ही नहीं है। 42% को आप डिटेंशन कैंप में भेजोगे, 42% को आप फॉरेनर ट्राइब्यूनल में भेजोगे, आप करना क्या चाह रहे हो। आसाम की कहानी आपने सुन ली कि ये रीज़न था, सही गलत कारण था कि वहाँ के लोगों ने इसको माना, मोडालिटीज़ बनाई और वहाँ पे काम शुरू हुआ। होते होते सरकारें बदली, होते होते राजनीति बदली, और जैसे राजनीति बदली तो क्या हुआ, 14 में से 4 डॉक्यूमेंट नकारे गए, जिसकी वजह से हमारी महिला बहनों को भी बाहर रखा गया। मतलब आप सोचिए, जो देश में 40% गरीबी है, जो देश में घर में पैदाइशी होती है, हॉस्पिटल में नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे होगा, जो देश में 18 साल के पहले शादी होती है, तो मेरी अगर 18 साल से पहले शादी हो गई तो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है, न मेरे जन्म का रिकॉर्ड है, न मेरा वोटिंग का रिकॉर्ड है। पहली बार मेरा रिकॉर्ड बनेगा शादी के घर में, तो लोग पूछेंगे शादी के घर में पहली बार रिकॉर्ड है तो मैं, इसके मतलब है कि आप पहले, आपका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए लोगों ने कहा कि पंचायत सर्टिफिकेट मानी जाएगी, गांव बारा सर्टिफिकेट माना जाएगा। 14 के डॉक्यूमेंट्स में गांव बारा सर्टिफिकेट को रखा गया था, सरकार बदली 2015-16 में और गांव बारा सर्टिफिकेट को निकाला गया। 62% के लोग 19 लाख लोगों में से महिला है, बच्चे 4 लाख है जिनके परिवार NRC में हैं और बच्चे बाहर हैं। आसाम के समाज में बवाल मच चुका है। अगस्त 31 के बाद आज तक कितने दिन हुए आप पकड़ लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हो चुके हैं, आज भी वो 19 लाख लोगों के पास कारण नहीं है कि मैं क्यों बाहर हूँ, क्योंकि सरकार अब कह रही है हम दूसरा NRC लाएंगे।
ये क्या मजाक है, वो 19 लाख लोगों को फिर आप इंक्लूड कर दो ना, उसके बाद आप दूसरे एनआरसी का ऐलान करो। नहीं, आपको वो तलवार लटका के रखना है लोगों पे, ताकि वो समाज में उथल पुथल बनती रहे और आपस में लोग और कोई काम, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार की बात न करे, इसी में उलझे रहे। ये मंशा है ये पॉलिटिक्स का। इसीलिए दोस्तों हम हर जगह कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि नागरिकता का अधिकार कहाँ से आता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखना है, रख लीजिए, बुरा नहीं है अगर हम रख सकते हैं, दुरुस्ती कर सकते हैं। साकेत अली की कहानी देखी आपने, बस उतना ही फर्क था उनका, एच जो होता ना, एच का अक्षर, साकेत अली या साकेत अली। आप खुद अपना डॉक्यूमेंट्स पकड़ लो, मैं मेरा देखूंगी तो मेरे इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, आधार कार्ड में सब एक ही नाम है क्या? कितने नामों में लोगों के फर्क है। चलो वो दुरुस्ती हमने कर लिया, गजेट में डाल के हमने कर लिया कि ये मेरा नाम है। एक एमएलए है असम में, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि जज साहब कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, मगर एक एमएलए है असम में, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में एक बयान दिया कि अगर एक नाम की गलती की वजह से आप हमें बाहर रख रहे हो नागरिकता से, तो हाईकोर्ट की भी ऐसे ऐसे नाम एक जज है जिनका भी इलेक्शन कार्ड और वोटिंग कार्ड में फ़र्क है, इलेक्शन कार्ड और पैन कार्ड में फ़र्क है, तो उनकी भी नागरिकता ले लो। बड़े खफा हुए जज, और उनके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस है, अभी कंटेम्प्ट केस चल रहा है। तो ये सवाल है, एक तरफ से मजाकिया सवाल है, इस तरह बहुत गंभीर सवाल है। इसको हम किस तरह, ये चीज़ को लेकर जो हमारे ऊपर एक तलवार लटकाई जा रही है, इसको हम किस तरह इसका सामना करेंगे, ये हमें समझ के कदम उठाना है। हम यहाँ पे आए, गए हफ्ते हम लोग मीरा रोड पे थे, मालेगांव जा रहे हैं, मुंब्रा में थे, और एक तरह से आप देखो तो हमारे अल्पसंख्यकों के बीच में ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है, क्योंकि मंशा साफ है। मगर मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जब हम आगे का कदम उठाएं तो हम हमारे पड़ोसी की तरफ देखें और पड़ोसी को ये बात समझाएं कि देखो शुरू होगा तो सब फंसेंगे, एक शुरुआत होगी तो सब कोई फंस सकता है। असम का देखो, वहाँ का बंगाली हिंदू रेफ्यूजी भी फंसा है, वहाँ के दलित समुदाय भी फंसे हैं। आपको पता है कि भारत हिंदुस्तान में प्रवासी कामगार कितने हैं, माइग्रेंट लेबर कितने हैं? हमारे शुगर बेल्ट, महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में कहाँ से जाके काम करने वाले लोग, क्या उनके पास ज़मीन का पट्टा है? क्या उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या उनके पास घर अपने नाम से है? कहाँ जाएंगे? उनको कौन सी नागरिकता मिलेगी ये एनआरसी के अंडर, कौन से डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जाएंगे? तो साफ हमारा मंशा होना चाहिए, नागरिकता की बुनियाद अस्तित्व डॉक्यूमेंट से नहीं प्रूव हो सकती। ये हमें न सिर्फ हमें अपने आप को समझाना है, मगर पड़ोसी को भी समझाना है, ताकि जब हम मुहिम उठाएं तो वो सिर्फ एक तबका वहाँ पे नहीं दिखे, हमारे अलग अलग तबके वहाँ पे दिखाई दे, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऑल इंडिया एनआरसी की बात क्यों निकाली जा रही है? असम में तो सुन लिया, ठीक है, बेचारे असम में लोग हैं वो जून, ये सरकार बाकी देश में क्यों लाना चाह रही है? उसके पीछे कानून क्या है? 2003 में आप याद कीजिए कौन सी सरकार थी, एनडीए 1 की सरकार थी। नागरिकता का अधिकार कानून देता है, सरकार छुपा छुपी फरमान नहीं कर सकती। 2003 में पहली बार रूल्स में, सिटीजनशिप रूल में एक बात डाली गई जो पहले नहीं थी, और वो ये थी कि हम देश भर में एनपीआर का काम शुरू करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम शुरू करेंगे। वो कैसे होगा? जैसे सेंसस होता है ना, जन्म संख्या, मतलब जनता की संख्या गिनने का काम, जनगणमन संख्या, उस तरह ऑफिसर आपके घर आएंगे और नाम लिखाएंगे कौन यहाँ रहता है कौन नहीं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा,
उसके बाद एनपीआर कहता है कि 30 या 60 दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर पे लिस्ट, एक सूची डाली जाएगी कि कौन एनपीआर में है और कौन एनपीआर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा अगर आप नहीं है तो, और उसके बाद अगर आप नहीं है तो फिर आप फॉरेनर है, आपको फिर फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। अरे भैया हम बेवकूफ़ हैं क्या? आसाम में ये पूरा डिटेल आप, मैंने आपको समझाया, ये रूल्स में कुछ सफाई नहीं है इनामदार साहब कि कौन सी वजह से मुझे अंदर रखा जाएगा और कौन सी बुनियाद में बाहर, कारण और आधार का कोई विश्लेषण नहीं है। इसीलिए हम सरासर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि बिना सांसद में बहस करके आप इस तरह का फरमान जारी करके एनपीआर एनआरसी नहीं शुरू कर सकते। आप डिक्लेयर करो कि कौन से बेसिस पे मैं अंदर रखी जाऊंगी या कौन से बेसिस पे बाहर। आसाम का तो खूनी इतिहास, दुखदर्द इतिहास आपने सुना कि वहाँ पे अकॉर्ड हुआ, वहाँ पे हिंसा हुई, वहाँ पे दिमाग के लोगों में था कि बाहरी लोग है। इसीलिए वो मोडालिटीज़ बहुत गहराई से 2013 में बनाई। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना गुजरात में हुआ, ना उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कौन से प्लेटफॉर्म से ये डिसाइड किया जाएगा कि ये ऑफिसर जब आपके घर और मेरे घर आएंगे तो क्या आधार लेके आएंगे, कौन सा आधार मांगेंगे, कौन सा कानून बताएंगे और कहेंगे ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वापस चलिए आसाम को। आसाम अकॉर्ड 85 में होता है। आसाम अकॉर्ड में कहा जाता है कि 1966 के पहले रहने वाले लोग या जन्म करने वाले लोग कोई भी आसाम में हो तो वो नागरिक हैं आसाम के। 1971 के बाद, क्योंकि 71 क्यों, क्योंकि बांग्लादेश का युद्ध होता है और बांग्लादेश के युद्ध के 9 महीने पहले 23 मार्च 71 तक अगर कोई लोग आए हैं 66 और 71 के बीच, तो 10 साल उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया जाएगा, ठीक है। आसाम को लेकर 71 कट ऑफ डेट आसाम राज्य के लिए दिया गया। जब अप्रैल 2020 के बाद एनपीआर शुरू किया जाएगा, कट ऑफ डेट क्या होगा? 1950, 1987, 2004, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है सरकार की तरफ से कि कौन सा कट ऑफ डेट माना जाएगा नागरिकता मानने के लिए। एक तरह से देखो तो 85 हो सकता है, क्योंकि जिस दिन संविधान बोला, तो क्या आप 50 के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, 51 के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे लोगों से 2019 में? मतलब ये कानून के दायरे के बाहर है, ये कॉमन सेंस के दायरे के बाहर है, ये लॉजिक के दायरे के बाहर है, और इसमें कोई सफाई और क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए हमें, अगर हम नो टू एनआरसी कह रहे हैं, अगर हम एनआरसी को नकारने का काम और मोर्चा ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम घुसपैठिया के लिए हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम इमिग्रेंट्स के फेवर में, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप जानबूझ के भारतीय नागरिक के ऊपर ये जिम्मेदारी और ये डर क्यों डाल रहे हैं, जब हमारा कानून ही आपको, सरकार को ये अधिकार नहीं देता। ये सवाल हम कर रहे हैं आपसे, और इसीलिए दस्तावेज, डॉक्यूमेंट सब तैयारी करने का काम आप जो हमको लगा देंगे, तो हमें सवाल करने का आपके ऊपर हक है कि कौन से बेसिस पे आप एनपीआर शुरू करेंगे। वो ऑफिसर आप और हमारे घर आएंगे तो कौन से आधार पे हमें वो सूची में रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये सफाई दो। ये सांसद में उस इसके ऊपर बहस करो, पार्लियामेंट में डिबेट होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। बिना ये क्लैरिटी के आप ये एक्सरसाइज नहीं शुरू कर सकते, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप नहीं शुरू कर सकते। डिटेंशन कैंप जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार, पूर्वी सरकार, महाराष्ट्र की ये सरकार ने, इसके पहली वाली सरकार ने जब डिटेंशन कैंप की जब घोषणा की थी, वो भी एक एमएचए का ऑर्डर। फॉरेनर ट्राइब्यूनल लग जाएंगे देश भर में, वो भी एक एमएचए का ऑर्डर। देखिए ये देश संविधान और कानून पे बना हुआ है।
अगर आपको कुछ नया रीति रिवाज शुरू करना है तो कीजिए सांसद में बहस, आपकी मेजॉरिटी है, आप क्यों डर रहे हो, बहस करो, बातचीत करो और उसके बाद इसकी आप उसको आगे चलाओ। आधार को लेकर जो तमाशा मचाया गया सब जानते हैं। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है भारत हिंदुस्तान में, LIC की पॉलिसी कितने लोगों के पास है, अभी ये घर आप और हमारे नाम से कितने लोग घर को ओन करते हैं, कितने लोगों के पास जमीन का पट्टा है, अभी आप ये देश 40% लोग ये देश में आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं और आप इस तरह के पुरावे की बात कर रहे हैं जो एक बेवकूफ़ी का, मैं मानती हूँ बेवकूफ़ का हद है, और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। हम जो भी सरकार देती है वो हम निकल जाते हैं, हमें सवाल करने का एक क्षमता बनानी पड़ेगी। बाबा MLA, हमारे कॉरपोरेटर MLA और MP चाहे कोई भी पक्ष से हो, उनको बिठा करके ये पूछना पड़ेगा कि आप जानते हो ये क्या है, हमारी जानकारी ये कहती है कि ये लॉजिक के बाहर है, ये कानून के बाहर है, ये संविधान के बाहर है, आप अपने पार्टी को समझाओ, हम भी आके समझाते हैं, आप अगर हमारे वोट ले रहे हो तो ये आपको समझना ज़रूरी है। थैंक यू। हमारे जनप्रतिनिधि को भी हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 6 सितंबर 2019 को बंगाल में, वेस्ट बंगाल की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ड्राफ्ट किया था वामपंथी ताकतों ने, लेफ्ट ने, आप सोचिए वामपंथी और TMC का टक्कर है, मगर ये मामले पे वामपंथी, TMC और कांग्रेस ने साथ में होके वो रेजोल्यूशन पास किया। वो क्या है? NRC बंगाल में नहीं लागू होगा। बंगाल में 3 दिन पहले 4 दिन पहले 3 बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए। हम ये बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि बंगाल में भी सोमवार के दिन बहुत बड़ा मोर्चा होने वाला है, और मैंने बंगाल में 5 सभाएं ली हैं NRC को लेकर, और 3 बाई इलेक्शन में, इंक्लूडिंग 1 इलेक्शन जहां पे BJP के स्टेट प्रेसिडेंट का एरिया था, तीनों में रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हार गई। और मुद्दा एक ही था NRC, और इसलिए नहीं हारी कि दलित मुसलमान खिलाफ गया, इसलिए हारी कि हर बंगाली खिलाफ गया, और हर बंगाली इसलिए खिलाफ गया, हर बंगाली इसलिए खिलाफ गया क्योंकि उन्होंने आसाम में देखा कि मरने वाले 28 लोग जो डिटेंशन कैंप में मरे हैं आज तक, उसमें आधे हिंदू आधे मुसलमान थे। उन्होंने ये देखा कि आपने हिंदू बंगाली का वोट लेना चाहा कैप 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 करके, और उसके बाद हमने देखा कि जब NRC का लिस्ट आता है तो उसमें से ज़्यादा हिंदू बंगाली बाहर है। तो एक बार आप ये भयानक एक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कोई भी तबका इससे बचता नहीं है, ये हमें समझना ज़रूरी है। और चाहे वो तमिलनाडु की DMK सरकार हो, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो नई वाली, सबको समझाने का काम आप और हमारा है कि इस तरह के भयानक रास्ते पे ना चलो, रोज़गार की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, शिक्षण तालीम की बात करो, ये बेवकूफ़ी रास्ते पे मत चलो, ये बहुत ज़रूरी है समझाना। अभी मैं आखिर में आपको कैब के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तरफ से नागरिकता का हमला NPR और NRC से किया जा रहा है, दूसरी तरफ पहली बार एक ऐसी दुरुस्ती लाई जा रही है हमारे नागरिकता कानून में, कैब जो कैबिनेट ने 2-4 दिन पहले क्लियरेंस दिया है, जिससे माइग्रेंट जो हमारे देश में आते उसमें धर्म के आधार पे डिफरेंस रखा जा रहा है। मतलब ये अमेंडमेंट अगर पास होते हैं पार्लियामेंट में तो इसका मतलब है मुसलमान छोड़कर अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी आ जाएगा, मतलब हिंदू हो, पारसी हो, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, तो चलेगा, मगर मुसलमान नहीं चलेगा। तो रोहिंग्या का बेचारा म्यांमार का कहाँ जाएगा, अहमदिया कहाँ जाएगा, बाकी कोई परसिक्यूटेड नहीं है,
हमारे और आपके जैसे सरकार से सवाल पूछने वाले लोग अगर पाकिस्तान में हैं, वो मुसलमान भी है, अगर वो यहाँ आना चाहे तो? ये धर्म के आधार पे माइग्रेंट में फ़र्क करना पहली बार हमारे नागरिकता के कानून में कैब के थ्रू किया जा रहा है, और इसीलिए हम लोग कैब का भी विरोध कर रहे हैं। और दोनों चीज़, एक तरह से आप मोटे मतलब बड़े पैमाने पे देखो तो दोनों चीज़ एक तरफ से मुसलमान को कटघरे में खड़े करने का काम किया जा रहा है। और मैं बार बार हमारे हिंदू भाई बहनों को कहती हूँ कि आप और हमारे के बीच में शैतान जो है ना, एंटी मुस्लिम फीलिंग, उसको वो खुश करने के लिए ये बार बार कह रहे हैं कि हम कैब लाएंगे, NRC लाएंगे, मगर जब लागू होगा तो फटका तो सबको लगने वाला है। तो ये शैतान को हम हवा न दें, ये हिंदू बना मुसलमान के शैतान को हम हवा न दें, और हम भी समझें कि पड़ोसी के साथ मिलकर इसका सामना करना है। और इसीलिए चाहे यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा दल हो या हमारे जैसे संगठन हो, इनामदार जैसे संगठन हो, हम इसको श्रमिक लोग, बहुजन लोग, जो भी मेहनत कर लोग हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट इज द प्रिविलेज ऑफ द वेरी फ्यू। भारत समाज में पूरे डॉक्यूमेंट का आधार होना वही 10% या 10% या 15% का है जो अमीर है, जो सदियों से राज किए जा रहे हैं, नहीं तो दूसरे लोगों के पास सब कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये मुहिम में शरीक होना, बिना डर के समझना, और डॉक्यूमेंट भी संजीदगी से तैयार करना, अपने आप तैयार करना, ऐसा नहीं कि मत तैयार करो, मगर डॉक्यूमेंट तैयार करने में हम बाकी हमारी मुहिम ना भूले कि हमें अपोज भी करना है। हमारी मालेगांव में बहुत अच्छी बहन है, एडवोकेट है, उन्होंने मालेगांव ट्रायल भी बहुत अच्छा था, तो वो बार बार मेरे पीछे पड़ी थी कि मैडम डॉक्यूमेंट का लिस्ट भेजो मेरे पास कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना। मैंने बोला मैं नहीं भेजूंगी। बोला क्यों नहीं भेजोगे? मैंने बोला पहले आके समझो कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एक हिस्सा है इसका। डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम दे देंगे मगर डॉक्यूमेंट से कोई बचने वाला नहीं है, सब फंसेंगे। पहले आप पूरा मुद्दा समझो। वो आए 6 घंटा मेरे साथ बैठे, उन्होंने जब समझा तो अभी वो लोग वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें, लाखों के सिग्नेचर जमा करें कि हम उसके खिलाफ। अंदर से अपना अंदर से बर्थ सर्टिफिकेट लेना, अपनी नाम दुरुस्ती करना, इलेक्शन वोट में डाला, वो तो सब कीजिए, ऐसा नहीं कि मत कीजिए। हम हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे इनामदार साहब के साथ, हम तय कर रहे हैं कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे ताकि लोगों के सवाल हो तो हम उसका जवाब भी देंगे। हम नहीं कह रहे कि दुरुस्ती, अगर एक मौका मिलता है तो दुरुस्ती करना चाहिए, मगर इस भावना से नहीं करना चाहिए कि हम NRC को अपना रहे, नहीं, इस भावना से कर रहे हैं कि मौका आ गया तो हम दुरुस्ती कर देंगे। मगर ये मुहिम में हम कहेंगे कि नागरिकता कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, उसके लिए कानून बन चुका है, और कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा अस्तित्व, नागरिकता के अस्तित्व का प्रूफ का दस्तावेज नहीं बन सकता। ये हम सोच समझ के चले, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद सवाल जवाब हो, क्योंकि अगर सवाल जवाब होगा उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये काफ़ी एक संगीन मामला है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और सबसे ज़्यादा लोगों को एक डर और भय से लोग गुजर रहे हैं। इसीलिए आप जो भी सवाल करेंगे उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर याद रखिए कि हमारे असम में जो CJP के वॉलंटियर्स हैं, आपने जमशेद जी को देखा स्क्रीन पे, आपने रश्मिनारा जी को देखा, रश्मिनारा जी को छुड़वाने का काम हमारे CJP के साथियों ने किया, और आज हमारी वॉलंटियर वो काम कर रही है बाकी बहनों को समझाने के लिए। हसन अली साहब और गोपाल दास की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2018 के लिस्ट में दोनों बाहर थे और दोनों खुदकुशी करने जा रहे थे जब गाँव वालों ने रोका। गाँव वाला ने रोका और हमें फ़ोन लगाया, हमारा टोल फ्री नंबर आसाम के लिए चल रहा था, और बोला कि दो ऐसे बंदे हैं, एक मुसलमान एक बंगाली हिंदू, खुदकुशी। हमारे वॉलंटियर फारूक भाई, परंजॉय भागे वहाँ पे, दिन रात वहाँ पे काउंसलिंग किया, उनके साथ बैठा कि देखो खुदकुशी करने से घबराहट से नहीं होगा, हम साथ में रहेंगे, और दोनों आज हमारे संगठन के साथ खड़े होके दूसरे लोगों को समझा रहे हैं। NRC में नाम आ गया उनका। तो ये हमें एक, जब बला आती है तो इसको एक अवसर बना करके हम काम करें।
जब एक ऐसी चीज आती है हमारे दिल को, हम उसको तो हम आपको अपील कर रहे हैं, हम इनका आप इनामदार साहब का भी सजेशन लेने वाली हूँ कि हर शहर में हम चाहते हैं कि कमेटियाँ बने इसको लेकर, एरिया में कमेटी बने, शहर की पूना शहर की कोई जिम्मेदारी लो, ताकि कोई भी ऐसा मसला हो हम मटेरियल आपको देते रहें, समझाते रहें, आप दूसरे लोगों को समझाएं, हमारे जैसे 15 लोग खड़े हो जाएं जो लोगों की यही बात समझा सके, ताकि ट्रेनिंग हो लोगों की। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अपना नाम और सिग्नेचर दिया है, नंबर भी दिया है। जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं वो जाते वक्त अपना नाम दोबारा दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम ये काम आगे लेना चाहेंगे तो हम आपके थ्रू, और उसमें हमारी बहन भी रहें, हमारे नौजवान भी रहें, हमारे भाई साहब भी रहें, जो ये काम में हमारे वॉलंटियर्स बनके हम साथ में मिलके काम करें।